मध्य प्रदेश में 63,000 पंच पद एवं 200 सरपंच पद के लिए वोटिंग आगामी 5 जनवरी को होनी है, जिसमें छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव में रिक्त संख्या 4 पंच पदों पर भी चुनाव होना है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। लेकिन कलेक्टर कार्यालय छतरपुर में नया गाँव ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल नया गांव ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 9 से नामांकन फार्म जमा करने वाली महिला प्रत्याशी मोना रेखवार ने बताया कि उनका फॉर्म राजनीतिक दबाव के चलते निरस्त किया गया। वह चुनाव लड़ना चाहती हैं लेकिन विरोधी उसे चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 4 से प्रत्याशी राम बाई अहिरवार के पति लक्ष्मण अहिरवार ने बताया कि विरोधियों द्वारा उनकी पत्नी का फॉर्म निरस्त कराया गया है, जबकि वह चुनाव लड़ने की तैयारी कई महीनों से कर रही थे लेकिन विरोधियों द्वारा षड्यंत्र करते हुए फॉर्म को निरस्त कराया गया है। वहीं समाज सेवी सत्येंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के इशारे पर नया गांव पंचायत के पंच पद के उम्मीदवारों को चुनाव नहीं लड़ने को लेकर धमकाया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उनका फॉर्म निरस्त करा दिया गया। कलेक्टर पहुंचे उम्मीदवारों ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को मिलने और अपनी आपबीती सुनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवकाश होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत की तरफ से सारा का फार्म 9 नंबर वार्ड से पहले सही बताया था। काहे का फार्म डाला था? मेमोरी फार्म डाला था उसका मेमोरी का, अपनी घरवाली का रामबाई नाम से, तो रिजेक्ट किया गया है। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? वो बताया नहीं उन लोगों ने, अभी कल बताया हमको शाम को कि आपका फार्म रिजेक्ट है, पावती की पर्ची भी हमारे पास है। हमारे यहाँ पे ये पंची के चुनाव हो रहे थे, जो 4 बार खाली थे उनका चुनाव हो रहा था, तो हमारे यहाँ पे कुछ राजनीति के दबाव के कारण हमारे प्रत्याशी इनके फार्म रिजेक्ट करा दिए है।